प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान बड़े ही जोश और उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए गुजरात में स्थित सूरत के कपड़ा व्यापारी भी लोगों के घरों तक तिरंगा पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल यहां के कपड़ा व्यापारी देश भर में भेजे जाने वाले कपड़ों के साथ मुफ्त में तिरंगा झंडा भी भेज रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों में तिरंगा लगा सकें। हमारा जो ये माल रेगुलर डिस्पैच होता है, जो हमारी साड़ियाँ भारतवर्ष में हर जगह पहुंचती हैं, हमने एक तारीख से मुहिम शुरू की है, जो कि हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है कि हर घर तिरंगा कैसे पहुंचाएं, उसी अभियान को जुड़ते हुए हमने यह साड़ियाँ के साथ तिरंगा डिस्पैच करने का निर्णय लिया है। मैं लुधियाने से आया हूँ, कपड़े का व्यापार करते हैं हम सूरत से हर बारी माल लेके जाते हैं, तो इस बार हम इधर आए संकल्प साड़ी पे, तो इन्होंने हमारे साड़ी के साथ हमें तिरंगा दिया, तिरंगे वाली साड़ी दी, तो इसलिए हम लुधियाना वाली मंडी में हर जगह हर व्यापारी के पास तिरंगा पहुंचा पाएंगे। सूरत में हर वर्ष बड़े पैमाने पर तिरंगे का उत्पादन होता है और इस वर्ष भी यहाँ से देश भर में भारी मात्रा में तिरंगे का ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स खास कपड़े से बने झंडे तैयार करते हैं, जो वर्षों तक खराब नहीं होते। झंडे की बढ़ती मांग से यहाँ के निर्माताओं में खुशी की लहर है। पिछले दो वर्ष पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने ये मुहिम चलाई थी कि 15 अगस्त 26 जनवरी के समय घर घर तिरंगा का अभियान, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में थोड़ी बहुत डिमांड इस समय पे निकलती है, उसके हिसाब से 1 अप्रैल के बाद 15 अगस्त की तैयारी के हिसाब से भारतवर्ष के लगभग बड़ी मंडियां जो भी है, जैसे झंडे की मंडी हमारे दिल्ली है, कलकत्ता है, यूपी साइड, बनारस साइड, सब जगह से थोड़ी थोड़ी डिमांड आ रही है और व्यापारियों के पास जा रहा है, तो अभी पिछले एक हफ्ते से अच्छी पूछपरछ है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक भव्य तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया, जिससे इस अभियान को और बल मिला।